और इस वक्त छत्तीसगढ़ से एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर यह है कि नक्सलियों के साथ हमारे जवानों की मुठभेड़ हुई है। जगदलपुर में सुरक्षा बलों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़, और इसमें बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 7 नक्सलियों को इस मुठभेड़ के दौरान मार गिराया है। हालांकि अभी ये एग्जैक्ट संख्या नहीं है, क्योंकि अभी भी वहां पर कॉम्बिंग चल रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन इनिशियल इंफॉर्मेशन, शुरुआती जानकारी ये कहती है कि सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 7 नक्सली मारे गए हैं। और ये अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है कि अभी चूंकि कॉम्बिंग की जा रही है और इस पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है, तो ऐसे में बेहद संभव है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है। बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, 7 नक्सलियों को ढेर किया गया है। मुठभेड़ हुई जगदलपुर में। जगदलपुर जो कि नक्सल प्रभावित इलाका है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर मुठभेड़ सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई है। अभी एग्जैक्टली ये पता इस बारे में अभी चलना बाकी है कि क्या ये एम्बुश अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, क्या घात लगाकर सुरक्षा बलों पर हमला था, या कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान ये मुठभेड़ हुई है नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की। लेकिन इसमें 7 नक्सली अभी तक मारे गए हैं, और इस तरह की जानकारी है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी भी हमारे सुरक्षा बलों के जवान इस पूरे इलाके को बारीकी से छान रहे हैं। सर्च ऑपरेशन वहां पर अभी किया जा रहा है, ताकि अगर कोई और नक्सली वहां पर छिपे हों तो उनको भी पकड़ा जा सके, उनको भी न्यूट्रलाइज किया जा सके। तो बड़ी खबर, बड़ा एक्शन नक्सलियों पर, एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ के लिए, जो नक्सलाइट की समस्या है। खासतौर पर जो बस्तर का इलाका है, बस्तर में आने वाले जितने भी एरियाज हैं वो बहुत ज़्यादा नक्सल से प्रभावित रहते हैं। वहाँ पर नक्सली कई बार हमने देखा है कि इस तरह की वारदातों को अंजाम देते हैं। सड़कें बनाने की जब कोशिश की जाती है तो सड़कों को धमाका करके उड़ा देते हैं।